अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो फिजिक्स 15वां लेक्चर नंबर 14 कवर करवाऊंगा। और इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, लेकिन अब हम जो है वो रिज्ड बॉडीज का कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रिज्ड बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं जनाब? इसको हम सख्त बॉडीज कहते हैं, या सख्त किस्म का जो मैस होता है, लाइक आयरन जो है ये मेरे पास रिज्ड बॉडी होगी, इस तरह जो स्टोन है ये रिज्ड बॉडी होगी। यानी वो बॉडी जो अपनी पोजीशन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके चेंज ना करे। क्या मतलब है इसका? अब फर्ज कर लें कि ये मेरे पास एक मैस है, ठीक है। अब ये मेरे पास ना जो है वॉल समझ लें। अब ये वॉल क्या हुआ है? ये वॉल क्या, मैं अगर इस पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये फोर्स मेरे लगाने के बाद क्या ये वॉल गिर जाएगी? नहीं, क्योंकि जब तक एक आदमी या दो आदमी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, दो बंदे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तब तक ये फोर्स चूँकि वॉल की ज़्यादा है तो ये नहीं गिरेगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर लेक्चर, अ रिज्ड बॉडी इज वन। रिज्ड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके तमाम तर बॉडी के पार्ट फिक्स्ड होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपकी जो बॉडी है उसके पार्ट फिक्स ना हो, बल्कि ऐसी बॉडी है जिसके बॉडी के पार्ट्स फिक्स होते हैं, लाइक स्टोन है, आयरन है, जो भी चीज़ें आयरन से बनाई गई हैं, जो भी चीज़ें वॉल, जिस तरह वॉल है वो ईंटों से बनाई गई है, ब्रेक से बनाई गई है, तो ये तमाम जो चीज़ें मेरे पास जो है वो रिज्ड बॉडीज कहलाती हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हार्डर सरफेस है, हार्डर जो है वो बॉडी है, तो वो हमारे पास फिक्स बॉडी होगी। एग्जाम्पल दे रहा है जिस तरह पेंसिल है, तो क्या अगर आप पेंसिल को जो है वो एक खास हद तक, ये नहीं है कि आप जिस तरह पेंसिल को मैंने तोड़ना है तो बड़ी आसानी से तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं उस तोड़ने से फोर्स से पहले या अगर कम फोर्स लगाऊं तो क्या वो पेंसिल अपनी चेंज करेगी पोजीशन? नहीं करेगी। हाँ, अगर मेरी फोर्स ज़्यादा हो जाए, उस पेंसिल की फोर्स है जिसने उसको आपस में जोड़े रखा है, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, फिर तो डेफिनेटली चेंज, जो मेरे पास जो स्पीड है वो, तो फिर जो मेरे पास शेप है, स्पीड क्या कहूँ, सॉरी, जो शेप है वो डेफिनेटली चेंज होगी। आगे आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फ्लूड्स एंड गैसेस आर नॉन रिज्ड। जो फ्लूड्स और जो गैसेस हैं ये नॉन रिज्ड हैं, चूंकि जारी सी बात है जो गैसेस हैं ये सख्त तो नहीं होती हैं, और जो फ्लूड्स हैं जिसको आप कहते हैं कि मेरे पास जो वाटर होता है, वाटर की फॉर्म में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, या सैलाब, अगर मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेट करूँ तो सैलाब जो है वो मेरे पास सख्त नहीं होता, तो ये मेरे पास नॉन रिज्ड जो है वो बॉडी होती है। अब हम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में देखेंगे, और जो सेंटर ऑफ मास है रिज्ड बॉडी का वो क्या होता है, ये बेसिक फार्मूला है, इसके अंदर समझाने वाला तो कोई काम नहीं है, बस आपने इसको एज इज जो है वो याद रखना है कि डी पी ओवर डी टी इक्वल टू एफ। और ये बात याद रखें, जहाँ पर भी ये एरो शो करता है दिस मीन्स कि मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप समीशन कहेंगे तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। इस तरह से अगर आप जो है रिलेशनल मोशन की बात करेंगे तो डी टी ओवर डी एल ओवर डी टी इक्वल टू, ये टॉर्क का साइन है, ठीक है। इसको हम जो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के जो तहत है वो टी को लिखते हैं, तो ये टॉर्क है मेरे पास। इस तरह आप इसको जो है वो टॉर्क करेंगे और ये मेरे पास एक्सटर्नल जो है वो टॉर्क की फॉर्म में आ जाएगा। उसके आगे रिज्ड बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। रिज्ड बॉडी जो है वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, इफ अगर बोथ लीनियर मोमेंटम पी एंड एंगुलर मोमेंटम हैव कांस्टेंट वैल्यू। लीनियर मोमेंटम वो मोमेंटम होता है जो लाइन में जा रहा होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम वो मोमेंटम है जो सर्कुलर शेप में मेरे पास मौजूद होता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनकी दोनों की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाए, यानी कि इस शेप की और इस शेप की वैल्यू फर्ज कर लें कि कॉन्स्टेंट हो जाए, तो ये आपके पास क्या बनेगा, डी पी ओवर डी टी इक्वल टू जीरो और डी एल ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। ये जो डी पी ओवर डी टी है ना, ये मेरे पास लीनियर एक मोमेंटम का फार्मूला है, ये आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में या प्रीवियस जो लेक्चर है उनके अंदर पढ़ा हुआ है। और डी एल ओवर डी टी ये मेरे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, और ये जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेज वहाँ पे इक्वल हैं, जीरो हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो पी इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो जो है वो रेफर करेगा। सिंपल एक ये थ्योरम टाइप चीज़ है, इसको बस आपने याद रखना है। उसके आगे एक न्यूमेरिकल है जी, एज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फर्ज कर लें कि मेरे पास एक एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, और उसके अंदर जो मेरे पास रेस्टिंग है किसी भी स्पोर्ट की, यानी ये मेरा मैस है, इसका आपने ना पोजीशन फाइंड करना है। वो क्या कह रहा है, वी वॉन्ट टू फाइंड द फोर्सेज, हम जो फोर्सेज हैं वो फाइंड करना चाह रहे हैं एफ वन पे और एफ टू पे। ये मेरे पास एफ वन फोर्स है और दूसरे ये मेरे पास जो है वो एफ टू फोर्स है। पुश करना जी आपने इस रोड को, इस रोड को आपने पुश करना है, और आपके मैस की जो पोजीशन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करके यहाँ जाएगा। तो ये जो एल है ना, दिस इज लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। ये देखें एफ वन प्लस एफ टू माइनस एम जी माइनस एम जी, ये जो माइनस एम जी है ये बेसिकली यहाँ पे एनर्जी को जो है वो शो करी, चूँकि जारी बात है आपको कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड तो है ना, आप फोर्स लगाएंगे तो मेरी मैस या मेरा मैस मूवमेंट करेगा, मेरी फोर्स के बगैर मेरा मैस मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो वेट रखता है।
अब यही चीज आपने जो है वो सबमिशन की फॉर्म में लिखी है, नहीं फोर्स का फॉर्मूला लगाया कि F10+F20-MgL/4/-MgL/2। ये एल ओवर टू और एल ओवर फोर कहाँ से आया जनाब? तो ये देखें, ये इसने आपको ना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था एल ओवर फोर, और जो एल ओवर टू है वो इसका भी हाफ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर एल ओवर टू लिखूंगा और सब कुछ जीरो के बराबर जो है वो आ जाएगा। जीरो के बराबर हमने यहाँ पे क्यों लिखा? सॉरी ऊपर चला गया था। ओके, जीरो के बराबर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास तमाम जो टोटल टॉर्क है वो जीरो है। जीरो से मतलब कभी मेरी बॉडी रेस्ट पर है, और जब आप इसको कंडीशन को मूवमेंट करवाना स्टार्ट करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। एफ वन जो है वो 3m+2m/g के बराबर आ जाएगी, और एफ टू जो है वो m+2mg/4 के बराबर आ जाएगा। उसके आगे एंगुलर मोमेंटम और जो टॉर्क है ये डिपेंड करते हैं जनाब किस पे? ऑन वेयर यू चूज द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट्स। जहाँ पर भी हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेट्स है या जहाँ पर भी मेरी बॉडी है उसके मेन पॉइंट पे जाके, उसके ओरिजिन पे जाके एंगुलर मोमेंटम और जो टॉर्क होगा वो डिपेंड करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने अपने जो हैंड आउट्स है उसके अंदर हाईलाइट कर लेना है, या अगर आप फिजिकली पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है। However, ताहम आई शैल नाउ प्रूव। अब आपको प्रूव करके दिखाएगा, कैसे प्रूव करेगा इसको? देखिए जी, ये मेरे पास टॉर्क है T=T1 + T2 + N। ये मेरे पास क्या है? ये वही बात है जो मैं आपको लेक्चर वन से या डे वन से बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी बॉडी है इस तरह की शक्ल है, और हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इतने से जो हिस्सा होगा बॉडी का उसका टॉर्क अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। अब इस टोटल जो टॉर्क है इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? इसको प्लस करना है। तो प्लस आप करेंगे जी, प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे आगे? ये देखें, अब आप जो कह रहे हैं कि वेक्टर विल बी शिफ्टेड बाय एन अमाउंट आर पी, हेंस द टॉर्क अबाउट पी। जो मेरा वेक्टर है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा जनाब? क्योंकि यहाँ पे देखें, ओके, यहाँ पे देखें R1 - RP, ये जो R है यहाँ पर, अब R किस चीज़ को शो कर रहा है? ये आपके बेसिकली दो पोजीशंस को शो कर रहा है कि जो R1 है वो RP से माइनस हो रही है। यानी कि आप ये कह लें इन योर शॉर्ट लैंग्वेज या इन योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के फाइनल में से हम जो है वो इनिशियल को माइनस कर रहे हैं। इस तरह से अब जो फोर्स वन के लिए होगा वो फोर्स टू के लिए भी होगा, वो फोर्स थ्री के लिए भी होगा, और जहाँ तक आपकी फोर्स जा रही है वो फोर्स एन के लिए भी होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया आर जो टी नॉट है ये कॉमन आ गया, यानी टॉक नॉट जो मेरे पास है कॉमन आ गया, और इस सारी चीज़ को आपने समीशन से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके आगे देखें जी, समीशन F=0 फॉर बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क P=TN। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे लेट अस यूज, अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे जनाब टू डू समथिंग ऑफ डेफिनाइट पार्टिकल इंपॉर्टेंट। कंसीडर द बैलेंस बिलो व्हिच इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन टू नॉन वेट्स आर हैंग। वो कह रहा है कि मेरे पास जो टू नॉन यानी जो हम वेट जानते हैं ना वो हैंग हुए हैं, जैसे ये आपको बता रहा है कि इस तरह मेरे पास एक वेट है और मैंने यहाँ इसको जो है वो बाय रोड इसको हैंग किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें, अब क्या होगा? टेकिंग द टॉर्क, अब इसके पास टॉर्क है, कैसे टॉर्क है? चूँकि जारी बात है इसका वेट है और यहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, जबकि जो दूसरी फोर्स है जहाँ से मेरा मैस लगा हुआ है या जहाँ पर मेरा मैस हैंग हुआ हुआ है वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर मेरे पास उस वो जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक अपवर्ड है इस मैस की वजह से, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है जबकि डाउनवर्ड जो है वो ग्रेविटी है। तो अब चूंकि जारी बात है इसका टॉर्क होगा, वर्क होगा, तो MgS=M1gL-x। L-x आप यही समझ लें कि दो फोर्सेज आपस में एक दूसरे के मतवाजी काम कर रही हैं। M/M2=M1/M1, ये जो M होगा इस M से कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास क्या रह गया? M1/M2 या M1.M2। ठीक है, अब आपको आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता रहा है जनाब। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक एवरेज लोकेशन है किसी भी वेट की ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो एवरेज वेट होगा उसको मैं उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज़ नॉट क्वाइट द सेम एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये आपने याद रखना है कि ये सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास जैसा नहीं है, सेम नहीं है। आप सी लेक्चर 12 में मैंने आपको ये बात समझाई थी, उसके अंदर आप अगर नहीं सुना तो आप सुनिए, आपको लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा होल प्ले लिस्ट का। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखिए, जी है, हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी तमाम तो वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। द वेट इज इक्वल, जो वेट होगा वो मेरे पास बराबर होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
coincides with the center of mass. Remember, the weight is force, the CG is really the center of gravitational force acting on the body. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक बॉडी है और इसका कहीं ना कहीं जो है वो सेंटर है. अब इसका फर्स्ट कर ले सेंटर ये है. अब इस सेंटर पे जब ये अगर जो है वो अलोंग या जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करेगा ना, तो ग्रेविटी इसको उस सेंटर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तो यही बात आपको यहाँ पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशन कि एफ ये वो फोर्स है जो लगा रहे हैं हम m1g. ठीक है, ये m1 जो g है ये मेरे पास फोर्स है इस मास की, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डेफिनेटली वो उस पर वर्क कर रही है. तो वो क्या कह रहा है, हैज़ द सेम वैल्यू. चूँकि ग्रेविटी एक बड़ी फोर्स है, ज़्यादा फोर्स है, तो वो हर मास के हर हिस्से में बराबर होगी. तो देखिए, g हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट. तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उस पर जो g की वैल्यू है वो मेरे पास बराबर है. अच्छा, अब देखिए इसका जो ओरिजिन होगा वो जीरो होगा. बस आपने समीशन टोक अप्लाई करना है. जो फार्मूला मैंने आपको पीछे करवाया वो अप्लाई करेंगे तो आपको एक फाइनलाइज फार्मूला आएगा. समीशन टोक इक्वल टू mRCM मल्टीप्लाई बाय जी विच इज इक्वल टू RCM मल्टीप्लाई बाय mg. सो द टोर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज जीरो. सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा है, या अगर आपको ये कंक्लूड करके बताएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने वाला है वो ये है कि जो टोर्क है मेरे पास किसी भी ग्रेविटी की वजह से, जो सेंटर ऑफ जो मास होगा वो जीरो के बराबर जो है वो हो जाएगा. इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रिपीट करा जो मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिया है. अब यहाँ पे देखिए आपको मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि जो सेंटर है किसी भी हमारे पास पोजीशन का या किसी भी बॉडी का, वो क्या है, टी स्केयर साइन नोट माइनस टी वन साइन नोट. यानी वही कि आप टू में से वन को माइनस कर रहे हैं, यानी आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं और ये हॉरिजेंटल है. जिस तरह ये हमारे पास हॉरिजेंटल ये वाला, ठीक है. उसके आगे देखें कि टी स्केयर कोस थीटा माइनस टी वन कोज थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो वर्टिकल. अभी देखिए ये आपको बता रहा है कि वर्टिकल जो है मेरे पास एंगल कोज का होगा और हॉरिजेंटल जो मेरे पास एंगल है वो साइन का होगा. अब आपने करना क्या जी, अब आपने इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन को अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद एक फाइनलाइज इक्वेशन आएगी एल कोज फाइव ओवर साइन थीटा प्लस फाइव. अच्छा आगे देखें. अच्छा ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आप लोगों को ये इतना कोई डीपली नहीं इसलिए समझाया. पेपर में यहाँ से पेपर में जो है वो क्वेश्चन नहीं आता होता. सिंपल बस आपने इसको जो है वो पढ़ लेना है या समझ लेना है. एंगल याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल के लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं और जो वर्टिकल है उसके लिए मैं जो है वो कोस का यहाँ पर जो एंगल है उसको इस्तेमाल करूँगा. अच्छा जी, आगे एक और एग्जाम्पल या एक और न्यूमेरिकल है. कह रहे हैं कि हेयर इज़ एन अदर प्रॉब्लम. मेरे पास एक दूसरी प्रॉब्लम है, फाइंड द लीस्ट एंगल. आपने लीस्ट एंगल मालूम करना है इस रोड का. ये रोड है आपके पास और आपने इसका जो लीस्ट एंगल है उसको मालूम करना है. लीस्ट का मतलब जो निचली वाली सतह पे होती है, यानी ये वाला एंगल, इसको आपने मालूम करना है जिसको थीटा से यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखें रोड की जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वो है जी R1 मैक्रो R2, ठीक है, या माइक्रो. तो इस तरह से R1 और माइक्रो R1. अच्छा जी आगे देखें, तो ये क्या करेगा, W ओवर वन प्लस माइक्रो वन प्लस माइक्रो टू. यानी अब ये क्या है, ये मेरे पास ना इसी इक्वेशन को इसने यूटिलाइज़ किया है. ये जो माइक्रो वन है और ये यहाँ से हम इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो ये आपके पास वो फार्मूला है R2 का, ठीक है. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को या इस जो पिक्चर है इसको देखते हुए आप इस इक्वेशन को लिखेंगे. यानी ओ ए या माइक्रो टू आर, ये सब कुछ यहाँ से इसने देख के लिखा हुआ है. आखिर में एक फाइनलाइज इक्वेशन आ जाएगी कि हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस माइक्रो वन माइक्रो टू ओवर टू माइक्रो टू. सिर्फ ये जो रिजल्ट है इसको याद कर लें, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में यहाँ से नहीं आता होता कुछ भी. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तीन टाइप्स हैं सिर्फ, आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको जो है वो सिर्फ बताएगा, इंट्रोडक्शन देगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट आगे जाकर डिटेल बताएगा. यहाँ पे देखिए, पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी टाइप है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहली टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरी है जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है ये वो इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओरिजिनल पोजीशन पर रहते हैं. अगर हम उसको डिस्प्लेस करें स्लाइटली, यानी थोड़ा सा आप मूवमेंट करेंगे तो उसकी जो पोजीशन होगी वो ओरिजिनल रहेगी या उसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी. जबकि इनस्टेबल का मतलब होता है ये स्टेबल नहीं होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मूव इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेड स्लाइटली. इसका मेन मतलब ये है कि मेरे पास ये एक मास है ना, इस मास को कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, वो इसको धक्का लगाता है और मेरे पास जो स्टेबल है ना, थोड़ा सा जितना आप धक्का लगाएंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे ना, ये मास उतनी पोजीशन पे जाके मूव करेगा, बस उससे आगे अपने आप नहीं चलेगा. लेकिन जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा बस पुश कर दें, जितना अगर इसी मास के नीचे टायर हो तो आप थोड़ा सा पुश कर दें तो वो अपने आप आगे चलता जाएगा, जब तक जो है वो कोई आगे इसको मजीद फोर्स नहीं मिलती या कोई उसको जाके पकड़ता नहीं है. तो ये मेरे पास अनस्टेबल है. न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम है, समझा था कि ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेस स्लाइटली. यानी जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी न्यू पोजीशन को लेता है अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेस करें स्लाइटली. तो ये मेन तीनों डेफिनेशन है, इनको ज़रा याद रखिएगा. तीनों डेफिनेशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से
भी इम्पोर्टेंट है और आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए आपका जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई कर दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है उस वहाँ पर मज़ीद क्लियर भी कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।